मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज एमआईएम पार्टी के सैफ पठान की घर वापसी पर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिली है। आज दोपहर के वक्त मुंब्रा वाई जंक्शन पर सैफ पठान के पहुंचने के बाद एक रैली निकाली गई। ये रैली मुंब्रा पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से होते हुए बॉम्बे कॉलोनी एमआईएम पार्टी ऑफिस पहुँचकर खत्म हुई। दरअसल सैफ पठान का तड़ी पार कैंसल होने के बाद उनके ऊपर और भी कुछ मुकदमे दर्ज थे, मगर उन्हें बेल नहीं मिल रही थी और कुछ दिन जेल में बिताने के बाद और आखिरकार सैफ पठान को बेल मिल गया। बेल मिलने के बाद सैफ पठान मुंब्रा वापस आज अपने घर पर पहुंचे और इस दौरान रैली में सैफ पठान के साथ में एमआईएम पार्टी के मुंबई प्रेसिडेंट फयाज अहमद और ज्वाइंट सेक्रेटरी शमशाद खान भी मौजूद थे। रैली के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव और सैफ पठान पर लग रहे इल्ज़ामों को लेकर क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल किया और इन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। भैया जो है सैफ पठान जिस तरह से तड़ी पार हुए थे, तड़ी पार कैंसिल हुई और जो भी मामला थे उनके ऊपर उन्हें बेल मिला है, आज वो मुंब्रा लौटे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, उनके रैली में भी अपने ऑफिस में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज सैफ पठान जो है घर पे आने की उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की, क्या पाई आप, और हम दोनों बात हुई, कैसे बात फैल गई यहाँ पर। आज जिस तरह का माहौल जो क्रिएट किया गया है, क्रिएट हुआ है, मैं उसके मुबारकबाद की मुस्तहक मुंब्रा की आवाम और नौजवान जिससे पूरा जोश से जुड़ने के साथ में आज सैफ पठान के साथ खड़े हुए हैं और उनको यकीन है कि सैफ पठान बेगुनाह साबित हुआ और जालिमों को उसके जुर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। आगे जिस तरह से मामला इनके ऊपर बने थे जी, इसको लेकर जिस तरह से सवाल भी उठ रहे थे, आरोप भी लग रहे थे, आगे उन लोगों पर आप लोगों की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो लीगली कार्रवाई हमने की है, लेकिन मुंब्रा के किसी बच्चे से पूछ लो आप, वो बताएगा क्या सच्चाई है क्या नहीं है। जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं सब बेबुनियाद हैं, बेवजह हैं और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर में लगाए गए हैं, जिसको हम कोर्ट में साबित कर देंगे और इंशाल्लाह सैफ पठान बेगुनाह साबित हो जाएगा। सैफ भाई, आपके ऊपर जो केस चल रहा था, आप बेल भी मिले, लेकिन इसी दौरान मुंब्रा के एक एडवोकेट के ऊपर हमले का भी मामला आप पर दर्ज हुआ, दरअसल उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आपने दो लोगों को भेजा था उन्हें डराने धमकाने के लिए? आप बिलीव करते हो ये बात पे? मुझे देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में था, मुझे सुप्रीम कोर्ट में मेरी बेल के टाइम पे वहाँ पर जस्टिस रमानंद सर से मालूम पड़ा कि मुझ पे कोई FIR हुई है और इस तरीके की झूठी FIR जो हमेशा मुझ पे दर्ज होती है उसी तरीके की दर्ज की गई है। अब उसकी जो भी यानी कानूनी लड़ाई है हमने लड़ी है, हम कानून कोर्ट में है और हमको कानून पर पूरा भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो मैं खुद उसके लिए यानी उस लेटर्स कर दिया हूँ जगह जगहों पे कि उसकी जांच होना चाहिए और जो भी ऐसा आरोपी है मेरा नाम का मिसयूज़ करे या किसी और का, वो पकड़ में आना चाहिए। आपने एडवोकेटों पर भी आरोप लगाया कि आपके जो एडवोकेट थे उन लोगों ने पैसा लेकर जो है काम किया है, आपके खिलाफ हो गए वो? देखिए, मैंने ये कहा था कि मैं आके नामों का खुलासा करूँगा, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। अभी ये जो झूठे केसेस मुझ पे बनाए गए, एक यानी कहानी सजाई गई कि यानी किसी ने कुछ किया, ये खुद बताता है कि कौन कितना कहां पर था और कितना धोखा दिया, वो खुद सामने आएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं बोल रहा हूँ, हम कोर्ट में हैं, कानून के जरिए सब बाहर आएगा, देखिए आप सब सच्चाई थोड़े दिनों में सामने आ जाएगी। आप कह रहे थे कि मैं आऊँगा उसके बाद नाम लेकर बताऊँगा, तो कौन कौन से नाम है वो, कौन कौन एडवोकेट है? इंशाल्लाह ताला थोड़ा रुकिए, इतना जल्दी, आज तो आया हूँ, अभी थोड़ा दिन रुकी, इंशाल्लाह ताला सब नामों का भी खुलासा होगा, सब चीज़ें बाहर आएगी। जिस तरीके से कानून ने मुझे बेगुनाह यानी बताया, मेरी तड़ी पारी जो की, बता दो ना आप उससे इसमें क्या है, बता दो ना कौन है? आज खुशी का क्या, आप छोड़ो वो नामों में, ऐसे गद्दारों का नाम लेकर क्या उनको हाईलाइट करना, छोड़िए। अच्छा, आपके आने के जैसे ही सोशल मीडिया में चर्चा हुई वैसे ही मैसेजेज चलने लगे कि सैफ पठान की मुंब्रा में एंट्री हो रही है, अब थाने वालों को रिटर्न थाने भेजा जाएगा, तो ये थाने वाले कौन है और किनको रिटर्न भेजने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इंशाल्लाह ताला हम लोगों को पता नहीं था, फयाज भाई मेरा डिस्कशन, शाहआलम भाई, हम लोग गिने चुने लोगों को यहाँ जो मौजूद है मेरे पार्टी के, हम लोगों में डिस्कशन हुआ कि मैं यानी कल आऊँगा और किस तरीके से, मैंने लाइव पे सिर्फ इतना कहा कि मैं आऊँगा, आप लोग साथ दीजिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम ने साथ दिया है,
मुझे लगता है कि टिकटें तो कट चुकी होगी, बताने की क्या जरूरत, जब रिटर्न होंगे सबको पता ही चल जाएगा इंशाल्लाह। सालम भाई, सैफ पठान की आज मुंब्रा में एंट्री हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि आप जो है एक कड़ी टक्कर हो, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ताला 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अध्यक्ष शहर में वापस आ चुका है। जिस तरीके से इसके ऊपर जो आरोप लगे थे, जो केस हुए थे, अल्लाह ने और हमको पूरा भरोसा था कि न्यायालय के ऊपर का हमारे साथ में, हमारे हक में बेहतर फैसला होगा। आज वो वक्त आ गया था, अल्लाह ने सैफ को वापस हमारे शहर में भेज दिया और इंशाल्लाह इलेक्शन तो इतने अच्छे तरीके से लड़ा जाएगा और एमआईएम ऐसा इलेक्शन लड़ेगी, अपोजिशन दिखाएगी कि अपोजिशन होता क्या है। आपसे सवाल है, अभी किस तरह से एमआईएम पार्टी मुंब्रा में किस तरह की बॉडी बनाएगी और कैसे जो है आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां करेगी? देखिए, तैयारी हमारी हो चुकी है, सैफ पठान अंदर था लेकिन यहाँ पूरी एमआईएम पार्टी के जितने रुकन हैं सब एक्टिव थे, वार्ड लेवल से लेकर सब जगह पर बॉडी मुकम्मल हो चुकी है और जब भी चुनाव होगा चुनाव बेहतरीन तरीके से मुंबई लड़ा जाएगा। जब देखा जा रहा था पद वितरित के टाइम पे काफी नाराजगी कार्यकर्ताओं में हो जा रही थी, तो आपकी बार अगर बॉडी बनाई जाती है तो पांच तरह से बनाई जाएगी, पांच उंगली है, किसी को नाराजगी ना, पांच उंगली है, हर उंगली का शेप अलग है ना, जो मुट्ठी बनती ताकत बनती है, तो छोटी मोटी इख्तलाफात रहते हैं पार्टी में लेकिन पार्टी के जो मजबूर हैं ना उसके पास सब एक है और हमारा मकसद चुनाव में लड़कर इन फिका परस्त लोगों को निकाल कर बाहर करना। देखिए, हमें जैसा मालूम पड़ा था इस किसी तरह की रैली का कोई प्रोग्राम नहीं था, सैफ पठान ने अपने कुछ चाहने वाले से कहा था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये छोटा सा जुमला कब रैली में बदल गया किसी को अंदाज़ा नहीं लगा और ना ही हमको पता चला कि ये इतनी बड़ी रैली और कामयाब रैली हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमें सैफ पठान की बेगुनाही पर पूरा भरोसा है, कानून और कानून की व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ लोग जो इस मुंब्रा शहर को दीमक की तरह खा रहे हैं उनसे लड़ने का भी वक्त है और इंशाल्लाह एमआईएम के मुंब्रा के जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब अपनी जी तोड़ मेहनत से इन दीमकों को यहाँ से खत्म करने का आने वाले इलेक्शन में काम करेंगे और हम बस एक छोटी सी बात कहकर अपनी बातों को यहाँ खत्म करेंगे कि जीत हुई बिल आखिर सच की, देखो बातिल हारा है, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, यही हमारा नारा है।